बहराइच के विसर्जन बवाल में जहाँ से चिंगारी उठी थी, हम इस वक्त उसी छत के ऊपर मौजूद हैं। मेरे ठीक पीछे जो यह छत देख रहे हैं, इसी छत के ऊपर चढ़कर राम गोपाल इस झंडे को लगा रहा था, जहाँ पर अब्दुल हमीद के लड़के रिंकू ने गोली मार दी। गोली मारने के बाद जो ये छत देख रहे हैं, जहाँ पर हम इस समय मौजूद हैं, इसी छत से राम गोपाल को बिल्कुल लथपथ अवस्था में ब्लड शरीर से उसके निकल रहा था, उसको यहाँ पर लिटाया गया। ये देख लीजिए, ये जो ब्लड आप देख रहे हैं, ये जो कांच के टुकड़े देख रहे हैं, ये उसी घटना का एक रूप है। और ये जो ब्लड आप देख रहे हैं, ये राम गोपाल मिश्रा का बताया जा रहा है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं उसको कितनी गोलियाँ लगी होंगी। यहाँ पर हमसे बातचीत करने के लिए, आँखों देखा हाल बताने के लिए यहाँ पर पड़ोसी मौजूद हैं, इनका बगल में घर है, पूरा माजरा ये जानते हैं। हम उनसे बात करेंगे क्या कुछ हुआ था उस दिन। चाचा क्या नाम है आप? हमारा नाम है संतोष कुमार तिवारी। चाचा ये बताइए, ये जो ब्लड है ये किसका है? ये राम गोपाल मिश्रा का। राम गोपाल। और वो छत किसकी है? वो छत है अब्दुल हमीद की। अब्दुल हमीद की। तो घटना कहाँ पर हुई थी? घटना इन्हीं की छत पर हुई थी, और वहाँ से किसी तरह से घटना होने के बाद उधर से रैली तड़क के जब आया, तब उनको गोली लगी है, तभी आवा है, वहाँ गिर पड़ा है और दोबारा उठा नहीं। तो फिर कैसे उसको ले जाया गया? पुलिस प्रशासन जो है, सेव साहब बड़ी मदद की, सेव साहब पुलिस प्रशासन मिलकर चार लोग किसी तरह से जीना से पप्पू के जीना से निकल के है बाहर लाया गया, और उसको ले गए एम्बुलेंस ले लाद के है, के बाद अस्पताल पहुँचे बहराइच। बहराइच में मृत्यु घोषित डॉक्टर ने कर दी। बहराइच में। अच्छा, जब मृतक उसको घोषित कर दिया गया और जिस समय इस घटना को अंजाम दिया गया, क्या पुलिस ने आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार कर लिया? तुरंत गिरफ्तार नहीं किए हैं, वो थोड़ा सा लापरवाही किए हैं पुलिस प्रशासन। उस समय पर लापरवाही जो न करते तो लापरवाही न करते तो चाचा ये बताइए, लगभग सूचना मिल रही है कि लगभग कितनी गोली लगी थी राम गोपाल? अब देखा गया है कि गोली लगी है, एक तो हमको लगा था कि छर्रा लगी है, पूरे शरीर में छलनी हो गई है, उसे वह ये गोली में गिर गया। तो क्या माहौल था जिस वक्त ये घटना हो गई? क्योंकि विसर्जन की मूर्तियां सब जा रही थी, लोग सब जयकारा लगा रहे थे, डीजे पर माँ के गाने बज रहे थे, क्या कुछ घटना के बाद माहौल यहाँ पर बना? माहौल यही बना कि कह रहे थे कि डीजे आप बंद करो, ये मक्का के बारे में बताए थे कि इसको डीजे मत बजाओ, तो कहे कि यह तुम्हारे मजहब में कोई ऐसा होता तो हम लोग बोल नहीं करते हैं, हमारे मजहब में हम जो बजाएँ अपने साथ बजाएंगे। तो यही विवाद स्थिति पैदा हो गया, तब फिर कहे ठीक तो कोई बात नहीं, झंडा उतार दो। तो काला झंडा लगा रहा है, झंडा उतारे के विवाद में यहाँ उन्होंने राम गोपाल जब चढ़े कि झंडा नहीं उतारे तो हम उतार दें, तो इन्होंने झंडा उतारने के समय में है ये ऐसा हुआ। बाकी घर के अंदर दाखिल नहीं हुए? हाँ हाँ, घर के अंदर नहीं हुए, चढ़ के आया है, झंडा तोड़ दिया। चाचा आप, जब ये घटना हो गई है, कल लोग आक्रोश थे, बहुत सारी गाड़ियाँ जला दी, बहुत सी दुकानों में तोड़ फोड़ की, इस समय मौजूदा हालात क्या है? मौजूदा हालात यही है कि शुरुआत से कहानी यही हुआ है कि जब मोटरसाइकिल पहले हमारी फूकी गई है, सरोज कुमार तिवारी की मोटरसाइकिल, आपकी मोटरसाइकिल पहले फूकी गई? हाँ, पहले शुरुआत यहाँ से इन्होंने पहुँचे हैं मोहनडम लोग, कुछ तो मोटरसाइकिल जला दी गई। जब मोटरसाइकिल जला दी गई, वह के पर जनता लोग खिलाफ हो गया, आक्रोशित पैदा हो गया कि जब इंदू भाई की मोटरसाइकिल जला दी गई है तो कहाँ तक बर्दाश्त करेंगे, वह बर्दाश्त करें फिर इंदू भाई लोग अपना। अच्छा चाचा, यहाँ पहले घटना इन्हें लोग किया, बाद में हिंदू भाई किया। यहाँ पर लगभग कितनी आबादी होगी मुस्लिम की? मुस्लिम की आबादी लगभग काफ़ी है, तो सब लोग यहाँ पर हैं या सब इधर उधर? कुछ अपने अपने घरों से, कुछ लोग बाहर हैं, कुछ लोग अपने अंदर हैं, और कुछ लोग इधर उधर फंसे हैं। तो अब लोग कैसे खा पी रहे हैं, कैसे जीविका चल रही है, व्यापार पूरा ठप पड़ा है? व्यापार का जो पहले से रखे हुए हैं कमाए के, तो अपन बिहार के लिए अपन खाए पियेंगे, अरे ख़त्म हो जाएंगे तो फिर देखा जाएगा कैसे करेंगे, जीवन व्यापन तो करना है। यहाँ पर हमने यही मांग योगी माननीय हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांग मैं कर रहा हूँ कि हमको न्याय दिलाया जाए, बस हम योगी आदित्यनाथ से यही प्रार्थना मैं करता हूँ कि हम लोग के साथ अन्याय ना हो, न्याय दिलाया जाए। यहाँ पर एक बच्चा भी मौजूद है जिसकी ये छत है, जिस पर वो खेला करता था, वो भी डरा हुआ है, सहमा हुआ है, हम उससे भी बात करेंगे और जानेंगे अब जब इस तरह की घटना हो गई है, उसी की छत के ऊपर जब राम गोपाल मिश्रा को लाया गया,
उसका सीना गोलियों से छलनी था। तो इसको देखने के बाद ये मंजर, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो डर जाते हैं इस तरह की घटनाओं को देखकर, हम बात करेंगे और जानेंगे उस बच्चे की आंखों में किस तरह का खौफ और डर है। बेटा क्या नाम है? अमातिन जायसवाल नाम है। बेटा क्या ये जो खून है, ये ब्लड जो है, ये किसका है? गोपाल मिश्रा का। गोपाल मिश्रा का क्या हुआ था बेटा? इन्होंने गोली मार दी थी। किसने? ये अब्दुल हमीद ने। अब्दुल हमीद ने। तो बेटा ये बताओ, जब तुमने देखा तो तुम डरे हो? हाँ डरे हैं। तो इस छत पे खेला भी करते थे तुम? हाँ खेला भी करते थे। अब किस तरह का डर है अंदर? डर बहुत है। डर बहुत। तो ये बताओ, कल कुछ गाड़ियाँ वगैरह भी जलाई जा रही थी? हाँ जला रही थी। आप देख रहे थे? हाँ देख नहीं रहे थे, अंदर बैठे थे घर के। अंदर घर के बैठे थे। हाँ। तो डर लग रहा था? हाँ डर लग। क्या लग रहा था उस समय? एक गाड़ी फूंक दी थी और भी। ऐसा भी लग रहा था कि एक चिंगारी कहीं घर के अंदर ना आ जाए? हाँ चिंगारी कहीं घर के अंदर। स्कूल जाते हो? हाँ स्कूल जाते हैं। इस समय? इस समय तो बंद है स्कूल। बंद है। क्या है इस समय बाजार में, क्या किस तरह का सब माहौल है? सब बिल्कुल सन्नाटा है पूरा। तो ये बच्चा है, डरा हुआ है, बड़े बड़े डरे हुए हैं, तो ये तो बच्चा है। और ये वो छत है जहाँ पर इस घटना को अंजाम दिया गया था। बगल की छत जो आप देख रहे हैं, मैं एक बार दिखा दूं आपको, यहीं से ये जो आप देख रहे हैं इसी सरिया के ऊपर पैर रखकर इधरी से राम गोपाल गया है और झंडा लगाने का उसने प्रयास किया है। जिसके बाद ये जो सीढ़ी आप देख रहे हैं, ऐसा अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इसी सीढ़ियों के रास्ते से अब्दुल हमीद का जो बेटा है वो ऊपर आया है छत पर और उसने इस घटना को अंजाम दे दिया है। लोग डरे हुए हैं, भयभीत हैं। हम एक बार आपको मार्केट भी दिखा दें किस तरह का मार्केट का यहाँ माहौल है। पूरी बाजार में, पूरे बाजार में सन्नाटा पसरा हुआ है। एक वक्त में ये जो मार्केट आप देख रहे हैं गुलजार हुआ करती थी और यहाँ पैर रखने की जगह नहीं हुआ करती थी। आज का ये माहौल है, पूरी मार्केट में एक सन्नाटा पसरा हुआ है। लोग अपने घरों में कैद हैं, एक भी बच्चा आपको दिखाई नहीं देगा। सारा का सारा यहाँ पर माहौल जो है पूरा गर्म है। हालांकि अब पुलिस ने सजगता दिखाते हुए कई टीमों को लगा दिया है, अधिकारी भी लगे हुए हैं और लगातार इसकी कैंपिंग की जा रही है, कोई घटना ना हो जाए। लोगों को हिदायत दी गई है अपने घरों में कैद रहें, कर्फ्यू जैसी स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। अब ये देखने वाली बात होगी, जो बहराइच का ये बड़ा बवाल है जो पूरे देश में एक सुर्खियाँ बना हुआ है, ये कब शांत होता है। बहराइच के मासीगंज क्षेत्र से विनू वाल्मीकि की लोकल एक्टिविटी।